जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना। मिस्टर फैजू जो कि टिकटॉकर है, बहुत ज्यादा फेमस टिकटॉकर है, उनका अकाउंट डिलीट कर दिया गया है। डिलीट करने के पीछे रीजन क्या है, मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं मिस्टर फैजू को लेकर के, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। जी फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मिस्टर फैजू एक बहुत बड़े टिकटॉकर है। अगर आप उनके बारे में नहीं जानते हैं, वैसे तो ऑलमोस्ट सारे लोग ही जानते हैं, तो उनका अकाउंट टिकटॉक ने डिलीट कर दिया है। डिलीट करने के पीछे रीजन क्या है, मैं आपको बता दूं। इन्होंने एक वीडियो बनाई थी मिस्टर तबरेज अंसारी के ऊपर, जो कि झारखंड के हैं, और उनकी मौत हो गई थी। मौत उनकी हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई हुई थी, जिसके कारण उनकी मौत हो गई थी। उस पर इन्होंने वीडियो बनाई थी, और वीडियो इन्होंने बनाई थी, वैसे वीडियो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई, क्योंकि वैसे ये बहुत ज्यादा फेमस है, तो वैसी वीडियो पॉपुलर हो गई। इन्होंने डिलीट की थी वीडियो, लेकिन तब तक वो ज्यादा पॉपुलर हो गई थी, और उस पर नेगेटिव कमेंट आने स्टार्ट हो गए थे, जिसकी वजह से ये फैसला चला गया सीधा का सीधा थाने में। और ये वीडियो में इन्होंने 5 लोगों के साथ शूट की थी, और 5 लोगों के खिलाफ इनकी FIR थाने में दर्ज हो गई। इसको देखते हुए टिकटॉक ने इनकी आईडी को पूरा डिलीट ही कर दिया, क्योंकि टिकटॉक पहले से ही इंडिया में एक बार बैन हो चुका था, क्योंकि उल्टी सीधी वीडियो बनाई थी जिसके कारण बैन हो गया था, तो उन्होंने फिर से रिस्टार्ट किया था। और टिकटॉक नहीं चाहता है कि वो फिर से इंडिया में बैन हो जाए, क्योंकि टिकटॉक इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने ये वीडियो बनाई थी वो गलत बनाई थी, क्योंकि जब आप इतनी बड़ी स्टेज पर बैठे होते हैं, तो आपको हिंसा के खिलाफ वीडियो नहीं बनानी चाहिए, जिससे कि लोग भड़क जाएं। तो आपको इस चीज का विशेष ख्याल रखना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, ये गलत हुआ है या सही हुआ है? वैसे कहीं ना कहीं गलत तो हुआ ही है, क्योंकि इतने बड़े उनके फॉलोअर्स और अचानक से इनका अकाउंट डिलीट हो जाए, तो गलत तो बात है ही। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि उनकी फेस वैल्यू बनी हुई है, वो एक नया फिर से अकाउंट बनाएंगे, और उनके जो फॉलोअर्स है वो फिर से आकर के उनसे कनेक्ट हो जाएंगे। बाकी आपको क्या लगता है, बाकी आप क्या कहना चाहोगे मिस्टर फैजू के बारे में, मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बता दीजिए। ये थी कुछ छोटी सी वीडियो, और मुझे इस वीडियो में आपको बताना था मिस्टर फैजू के बारे में। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। मैं मिलूंगा नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।